हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याशील पब्लिक यूट्यूब चैनल। एंड हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर टू है क्लास 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसका थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया हुआ है और इसका जो रिमेनिंग पार्ट है विद एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका एक कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि इस हमारे जो एटॉमिक मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, उसके अंदर स्टार्टिंग में क्या हुआ था, किसने डिस्कवर किया था। सो लेट मी रीड नाउ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। देन व्हाट इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक थ्योरी? फर्स्ट ऑफ ऑल द लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम इज बेस्ड ऑन वेव मैकेनिक्स। यस, हमारा जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वेव मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। Dalton first of all gave the indivisible model of atom, but the presence of electron, proton and neutron was proved later. Actually में हुआ क्या था, Dalton ने सबसे पहले atom के बारे में अपना presentation दे दिया था। Atom क्या है उसने बता दिया था, एक spherical होता है, indivisible होता है, इसको हम लोग two part में cut नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह उसने दिया। Then after इसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को लेटर डिस्कवर कर दिया गया। देन आफ्टर एटम का एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन क्या था, इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस इंडिविजिबल। यस, तो एटम को क्या बोला गया है, इंडिविजिबल बोला है। एटम मतलब ए, और ये टर्म अगर हम लोग बोलते हैं ए का मतलब नॉट हो सकता है, टर्म का मतलब कट हो सकता है। इट मीन नॉट कट, इंडिविजुअल एटम है इसको हम लोग कट नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसके अंदर बताया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी एलिमेंट। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कवर कर दिया। देन आफ्टर उसने बताया कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी एलिमेंट, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल, वन वन एट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में है, और वो सबके जो है उन सबका जो बेसिक यूनिट जो होती है वो क्या होता है, हमारा एटम ही होता है। लेटर ऑन रदरफोर्ड आल्सो पुट फॉरवर्ड अ मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग आगे रीड करने वाले हैं। हमारे पास में जो एटम, हमारे पास रदरफोर्ड जो मॉडल आया था, लेटर ऑन डाल्टन के बाद में जो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल आया उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट दिस मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्पेक्ट्रम, देन अ सिंगल लाइट इज डिवाइड इन अ मेनी सब एलिमेंट्स अंदर बोल सकते हैं, यानी कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है हमारा, एक सिंगल जो लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है वो अपने जो सब पार्ट होते हैं उनके अंदर जब वो ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है, बहुत सारी लाइन्स उसमें नजर आती हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम हम लोग बोलते हैं। जैसे 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने विब ग्योर के बारे में पढ़ा था, एक प्रिज्म हमारे पास होता है उसके अंदर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम लोग जब पास आउट करते हैं तो क्या होता है उसके अंदर वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही था। वी शैल स्टडी अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दिस चैप्टर। हम लोग बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं इसके अंदर, हमारे पास जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनको हम लोग इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद अब हमारे यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग अब देखते हैं हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम लोग करने क्या वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट टेक अ ग्लास ट्यूब दिस टाइप। ओके, एंड इट्स हम लोगों ने इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट एडजस्ट इन अ लेफ्ट साइड इज अ कैथोड एंड राइट साइड एज अ एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड मीन इसके अंदर होल है। हमारे पास जैसे कोई भी चीज होती है ना, हम लोग एक मेटल का कोई भी कंटेनर ले लें उसके अंदर हम बहुत सारे होल करते हैं, उसको इस तरीके से इसके अंदर प्लेस कर देना है और कुछ नहीं। ओके, एंड दैट्स ऑल एंड आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप है। सो इसके अंदर जो भी हमारे पास अदर गैस होती है हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देन आफ्टर हम लोग इन पूरे जो हमारे पास में अरेंजमेंट है कैथोड और एनोड को यहाँ पर किस अटैच करते हैं, हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट। सो फाइनली करना क्या होता है इसके अंदर, हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी जस्ट अप्लाई 10,000 वोल्ट इन दिस ट्यूब
एंड लो प्रेशर एरिया। ओके, इसके अंदर क्या चलता है? लो प्रेशर भी होता है। ओके, तो जैसे इसके अंदर इजमेंट होता है, इसके अंदर हम लोग 10,000 वोल्ट को पास करेंगे तो कैथोड से हम लोगों को एक इनविजिबल रेज यहां से कहां पर टुवर्ड द एनोड की तरफ हमें जाती हुई दिखेंगी। इनविजिबल है, दिखेंगी मतलब पता कैसे चलेगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही फर्स्ट ऑफ इसके अंदर से ये क्रॉस होंगी, ये मतलब इसके अंदर से पास करेंगी, परफोरेटेड एनोड के अंदर से पास होंगी। पास होने के बाद एंड जस्ट स्ट्राइक ऑन जिंक कोटिंग, जिंक कोटिंग की जो सरफेस होती है, जैसे ही हम पर स्ट्राइक करेंगी हम लोगों को क्या नजर आएगा यहाँ पर? एक ग्रीनिश लेयर, ग्रीनिश यहाँ पर एक स्पॉट लाइट, ग्रीनिश लाइट हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ओके, जैसे हम लोग इस सारे सिस्टम को क्लोज करते ऑफ कर देते हैं तो ग्रीनिश लाइट यहाँ पर आना क्या होता है? बंद हो जाती है। देन अगेन अगर अब इसको हम जब रिपीट करेंगे तो वापस से क्या होगा? ग्रीनिश लाइट आ जाएगी। तो ग्रीनिश लाइट यहाँ पर आ रहा है, इट मीन ये जो पार्टिकल्स हैं जो कैथोड से निकल रहे हैं और किधर किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं ना, वो चीज क्या कर रही है यहाँ पर हमारे को इस चीज का पता करवा रही है कि कैथोड रेज क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, जो कैथोड से निकल के किधर जाती है? टुवर्ड द एनोड की तरफ। ओके, देखो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, देखिएगा कैसे किया था। अ कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास, कंप्लीटली ये ग्लास से बना हुआ है। ओके, आगे देखिएगा, कोटिंग टू थिन पीस ऑफ मेटल कैथोड और एनोड हमारे पास है यहाँ पर, कॉल्ड इलेक्ट्रोड सील्ड इन इट। इसको हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि पूरा सील्ड हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे कोई भी बाहर से कोई गैस एंटर नहीं करना चाहिए। अंदर वाली जो गैस को भी हम लोग वैक्यूम पंप से बाहर निकालते हैं, दूसरा गैस इसके अंदर डाल सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर, लो प्रेशर होना चाहिए। वैक्यूम पंप से हमने अंदर का जो एयर है बाहर निकाल लिया, एट अ वेरी हाई वोल्टेज, और इसके अंदर का वोल्टेज कितना है अप्रोक्सीमेट 10,000 वोल्ट, इसका क्या रहता है? वोल्टेज होगा। देन व्हेन अ सफिशिएंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अप्रोच द इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सफिशिएंटली इसके ऊपर जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल मूविंग इन द ट्यूब फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन कैथोड टू द इलेक्ट्रोड एनोड। तो ये कहां से जाएगा? कैथोड से एनोड की ओर, ये बीम फॉर्म में वहां पर जाएगा। देन आफ्टर व्हेन दिस रेज आफ्टर पासिंग थ्रू एनोड स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, कहां से यहां पर कोलिजन होता है? जिंक सल्फाइड जो लेयर है यहां पर परफोरेटेड कैथोड के बाद में, उसे स्ट्राइक करेगा एंड अ ब्राइट स्पॉट ऑन द कोटिंग इज डेवलप, और एक ब्राइट स्पॉट हमें कैसा ग्रीनिश स्पॉट यहां पे नजर आ जाएगा। ओके, तो ये फाइनली जो ग्रीनिश लेयर में ग्रीनिश स्पॉट हमें नजर आ रहा है वो क्या चीज होती है हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, नेचर ऑफ कैथोड रेज, अब देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ कैथोड रेज के अंदर हम लोग देखेंगे। नंबर वन क्या है? द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड, कहां से स्टार्ट होती है? कैथोड से, इस फॉर्म में यहां पे जाएगी, ये ऐसे बना सकते हैं हम लोग इसको। ओके, द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड एनोड, और किधर की तरफ जाती है? एनोड की तरफ जाएगी। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द ट्यूब, अगर हम इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस कर दें, इट कास्ट अ शैडो, तो वो उसे टकरा कर क्या बनाने वाली है? एक शैडो अपीयर करेगी, शैडो बनाएगी अपोजिट टू द कैथोड, किसके पास में? मतलब कैथोड से अपोजिट साइड पर उसका एक शैडो वो यहां पर बनाती है। ओके, तो इसका ये फर्स्ट नेचर है। इसका सेकंड नेचर देखिएगा क्या होता है। यस फ्रेंड्स, तो सेकंड पॉइंट इज हमारे पास क्या है? कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। ओके, मैकेनिकल इफेक्ट मीन जैसे आपका फैन है, इलेक्ट्रिक आप ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप ऑन करते हैं, तो क्या होता है? फैन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस अ मैकेनिकल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट रोटेट। अब क्या करते हैं, आपके पास कैथोड रेड ट्यूब है, उसके अंदर आपने क्या किया, कैथोड के जस्ट आगे एनोड की तरफ क्या किया है? एक मेटल पैडल आप लोगों ने रख दिया है। तो जैसे ही हमारे पास में कैथोड रे क्या होती है, मेटल पैडल से कोलिजन करती है, टकराती है, तो वो मेटल पैडल जो होता है ना उसको क्या करने लगती है? वो रोटेट करने लगती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इफेक्ट, जो कि वो शो करेगी। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। सपोज हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, देखो जरा, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड हम लोगों ने लगाया है।
ओके, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाने के बाद भी ये हमारे पास कौन सी रे, कैथोड रेज है। जैसे कैथोड रेज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में से निकालेंगे, पास करेंगे, तो हमारी कैथोड रेज किधर जाएंगी, टुवर्ड द एनोड की तरफ जाएंगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि इनका खुद का नेचर कैसा होता है, नेगेटिवली होता है, सो इट विल बी अट्रैक्ट फ्रॉम एनोड। तो किससे, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से क्या होंगी ये अट्रैक्ट हो जाएंगी। सो फाइनली हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, मीन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, दोनों फील्ड्स को हटा दें, तो ये क्या जाएंगी, ये स्ट्रेट लाइन में अपना पाथ करेंगे, अपने स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। When the cathode rays are allowed to strike a thin metal foil, it gets heated up. Because आप लोगों ने देखा क्या देखा है, एक मेटल कोयल अगर हम लोग लें, ओके, और मेटल कोयल के ऊपर जब हम लोग कैथोड रेज को अप्लाई करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो उसको हीटेड अप करेगी, हीटिंग इफेक्ट इसको बोला जाता है, उसको हीट कर देगी, ओके। नेक्स्ट, the cathode rays penetrate through thin sheet, ओके, थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल। अगर आप कैथोड रेस को क्या करेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल हो गई उसके ऊपर आप डालते हैं, ओके, तो उसको पेनिट्रेट करेंगे, इट में उसमें बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेनिट्रेट। पेनिट्रेट यहाँ पर मतलब होल करने वाला जो चीज होता है उसके अंदर, उसको हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट बोलते हैं, ओके। लेटर ऑन अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम एक एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर क्या करने वाले, प्रूव करने वाले हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिलिकन एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उसको हम लोग बोल सकते हैं। देखो क्या होता है ये, जैसे देखिएगा, सुनिएगा, द चार्ज यहाँ पर, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन वाज मेजर्ड बाय आर ए मिलिकन बाय अ मेथड नोन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। हम लोग इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया हुआ, अरेंजमेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक बॉक्स लिया हुआ है, मेटल बॉक्स हमारे पास होता है, इस मेटल बॉक्स के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर दिया है अरेंज टू प्लेट्स, फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द सेकेंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज, ओके। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, स्प्रेयर लगाने वाले हैं, ये स्प्रेयर है, इसके अंदर ऑयल ड्रॉप्स होती है, वाटर मिक्स बोल सकते हैं, वो यहाँ से स्प्रे क्या करेगा, स्प्रे यहाँ पर करेगा ऑयल ड्रॉप्स के अंदर। इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में यहाँ पर क्या एक होल है, छोटा सा होल, जिससे जो ऑयल ड्रॉप्स होती हैं केवल एक बार में, एक सिंगल ड्रॉप ही उसमें से पास आउट हो सकती है, ओके। तो ये ड्रॉप इसमें से पास आउट होगी, वो यहाँ पर पोजिशन है, अब वो ऑयल ड्रॉप यहाँ पर है, इस जगह पर है, ओके। नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और बीच में हमारी एक सिंगल ऑयल ड्रॉप यहाँ पर होगी। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होता है, ऑयल ड्रॉप जो होती हैं, जैसे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट में से पास होंगी, तो ऑयल ड्रॉप किसमें चेंज जाएगी, पॉजिटिव चार्ज में, ओके, पॉजिटिव चार्ज में चेंज होंगी, तो इट विल बी अट्रैक्ट फ्रॉम नीचे नेगेटिवली से, नेगेटिव से क्या होंगी ये अट्रैक्ट होने वाली होगी। जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप यहाँ पर नीचे आएंगी, आने के बाद में एक्सरे, जो एक्सरे यहाँ पर हम लोग अंदर सेंड करेंगे, इनका भेजेंगे, तो उसके प्रेशर में आकर के वो धीरे धीरे किसमें, नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। नेगेटिव में चेंज होने के बाद में वो नेगेटिव से नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो वो प्लेट क्या होती है, यहाँ नीचे नहीं आएगी, वो बीच में यहाँ पर इस तरीके से कॉन्स्टेंट पोजिशन में रहेगी, ओके। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास से प्लेट, ऑयल ड्रॉप आएगी, पॉजिटिवली चार्ज है, देन आफ्टर ये प्लेट नीचे वाली नेगेटिवली चार्ज है, जैसे इसके ऊपर आने लगेगी एक्सरे की कंडीशन की वजह से वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपल करता है, तो वो प्लेट में नीचे नहीं आएगी, वो कहाँ हो जाएगी, अब बीच में स्टेबल हो जाएगी, बिकॉज ऑफ ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज की कॉन्टेक्ट में रहेगी और नीचे नेगेटिव में, तो इस तरीके से सिमिलर फोर्स वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, और सिमिलर फोर्स जब अप्लाई होगा तो इट विल बी स्ट्रेक इन अ मिड, वो बीच के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। इस सारी चीज़ को हम टेलीस्कोप से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑयल ड्रॉपलेट्स अंडर ऑब्जर्वेशन वाली है हमारे पास में, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, और यहाँ से एक्सरे हम लोगों ने सेंड की हुई है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। और इसके बाद में क्या होता है, स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट आर, मिस्ट मतलब थोड़ा मॉइस्चर उसके अंदर होता है, मिस्ट आर फॉर्म्ड बाय अ स्प्रेयर एंड दीज आर अलाउड टू फॉल इन द बिटवीन टू मेटल प्लेट्स, दिस एंड दिस, ओके, व्हिच वुड बी इलेक्ट्रिकली चार्ज, दोनों की दोनों कैसी होती हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होती हैं हमारे पास में, बाय चार्जिंग द अपर प्लेट
पॉजिटिवली एंड डोर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है. द ऑयल ड्रॉप एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द अपर डायरेक्शन. सो फाइनली हमारे पास में इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्या करेगी, ऊपर की तरफ अपना डायरेक्शन लेने लगेगी, नीचे नहीं गिरेगी. इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चार्ज का मेजरमेंट कर सकते हैं, कौन सा चार्ज इसके ऊपर होता है ये बता सकते हैं. ओके, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में. ओके, थैंक यू.